नमस्कार दोस्तों, अरविंद के रिव्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, फाइनली कार्तिक आर्यन की मच अवेटेड फिल्म एक्शन से भरपूर शहजादा का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब कार्तिक आर्यन अल्लू अर्जुन को रिप्लेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। अल्लू अर्जुन की मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ फिल्म अल्लू अर्जुन की सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म अला वैकुंठ पुरमुलो का ऑफिशियल रीमेक है। यहाँ पे कार्तिक आर्यन सोच रहे हैं मैं नहीं तो कौन बे, उनको जानकारी के लिए बता दो कि अल्लू अर्जुन फायर है, वो झुकेगा नहीं साला। दोस्तों, फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रोहित धवन, वरुण धवन के भाई। कार्तिक आर्यन इन दिनों बॉलीवुड के उभरते हुए सितारे माने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल उनकी रिलीज हुई फिल्म भूल भुलैया सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। और जहां पर बॉलीवुड के ऐसे हालात चल रहे हैं कि किसी भी प्रकार की फिल्म को सुपरहिट करार नहीं दिया जा रहा है, वहां पे भूल भुलैया जैसी फिल्म सुपरहिट हो रही है। तो ये मान लिया जा सकता है कि अगर भूल भुलैया 2 जैसी फिल्म सुपर हिट हुई है, कार्तिक आर्यन से ये तो एक्सपेक्टेशन की ही जा सकती है कि अगर वो अल्लू अर्जुन सर की फिल्म का रिमेक बना रहे तो उसको भी सुपर हिट बनाने की कोशिश करेंगे। पर ट्रेलर देखने के बाद लिटरली मुझे ऐसा नहीं लगा है कि ये ट्रेलर अल्लू अर्जुन की फिल्म अला वैकुंठ पुरमुलो से ज्यादा अच्छा लगा। एक्शन और स्टाइल काफी कॉपी करने की कोशिश की है, बट बाकी जो कास्टिंग है वो उस फिल्म के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं लग पा रही है। वैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये लग रहा होगा मुझे, क्योंकि मैंने अला वैकुंठ पुरमुलो को देखा है, वो फिल्म मुझे काफी अच्छी लगी। अल्लू अर्जुन साउथ में और हिंदी सिनेमा में इसलिए ज्यादा पॉपुलर और फेमस है क्योंकि उनकी हर एक फिल्म में एक स्वैग, एक स्टाइल, एक मूवमेंट अलग टाइप का दिखाई देता है, वजह से लोग काफी ज्यादा उनको पसंद करते हैं। वही कार्तिक आर्यन भी काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं, उनकी एक्टिंग स्किल्स काफी इंप्रूव है, हम उनकी पिछली फिल्मों में ये चीजें देख चुके हैं। ज्यादा फिल्म का ट्रेलर एंटरटेनमेंट का कंप्लीट डोज है, ये कहना बुरा नहीं होगा। ट्रेलर के अंदर भरपूर एक्शन, ड्रामा, रोमांस दिखाया गया है। कार्तिक आर्यन का एक और डायलॉग सुनने को मिला है कि जब बात फैमिली पे आती है तो डिस्कशन नहीं, ओनली एक्शन करते हैं। बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो फिल्म की स्टोरी वही होने वाली है जो अला वैकुंठ पुरमुलो में हुई थी। फिल्म की लीड कास्टिंग में देखा जाए तो वरुण धवन, कृति सेनन, परेश रावल, राजपाल यादव भी फिल्म में दिखाई देंगे। यह फिल्म 10 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। दोस्तों, जिस प्रकार से दृश्यम 2 फिल्म सुपर हिट हो चुकी है, उस प्रकार से अगर आप अंदाजा लगाओगे तो ये फिल्म सुपर हिट होगी और होना भी चाहिए, बिकॉज ए मूवी इज डायरेक्टर्स बेबी। बट दृश्यम 2 में और यहाँ जमीन आसमान जैसा फर्क दिखाई दे रहा है। अला वैकुंठ पुरमुलो हिंदी में है और हम लोगों ने उसको काफ़ी ज़्यादा देखी और वो सुपर हिट हुई थी, सुपर हिट फिल्मों का ही रिमेक बनता है। और वहाँ बात की जाए दृश्यम 2 की, तो दृश्यम 2 हिंदी में अवेलेबल नहीं थी, इसलिए लोगों ने ज़्यादा उसको देखा है। फिलहाल कार्तिक आर्यन का समय काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो इस फिल्म में वो कैसा परफॉर्म करेंगे ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। शहजादा के लिए आप कितना एक्साइटेड है कमेंट करके बिल्कुल बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट द बेल।